देश का प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है झारखंड, जहां किसान पूरी तरह से वर्षा आधारित खेती पर निर्भर रहते हैं। और ये है झारखंड के रांची स्थित महिला किसान रथि देवी का खेत, जो कुछ साल पहले तक अपने आसपास की बंजर जमीन की तरह ही दिखाई देता था। लेकिन जब से रथि देवी ने रिवर्स इरिगेशन की टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है, तब से इन बंजर जमीनों के बीच इनका खेत करेले की फसल का उत्पादन कर लहलहा रहा है। इस परिस्थिति की वजह से यहां के किसान अब तक ज्यादातर धान की खेती ही कर पा रहे थे, लेकिन अब उपलब्ध पानी में टपक सिंचाई के जरिए इन किसानों की न केवल नगदी फसलों की खेती सक्षम बनी है, बल्कि रबी मौसम के दौरान एक अतिरिक्त फसल की खेती करना भी संभव बना है। राज्य में जहां बोए गए क्षेत्रों का 92% वर्षा नियंत्रित होता है, जिसके चलते गैर मानसून महीनों में सूखे कुएं, गिरता जल स्तर, पंपिंग के लिए पानी की अनुपलब्धता, पानी की बचत न होना जैसी कई समस्याओं का किसानों को अक्सर सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था रांची की महिला किसानों को। पहले हम आलू का खेती करते हैं ना, तो बहुत लेबर लगता है, पानी भी ज्यादा लगता है, खाद भी ज्यादा लगता है। टपक सिंचाई से पहले इतना फायदा नहीं होता था, उसमें बहुत नुकसान होता था। खेती करते थे तो खेती नहीं होता था, उसे बीमारी बहुत पकड़ता था, खरपतवार बहुत होता था, और अभी पानी भी बहुत ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगता था। ऐसे समय में टपक सिंचाई एक बेहद ही अच्छा विकल्प है, जिससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि गैर मानसून के महीनों में खेती करने पर किसानों को मदद भी मिलेगी। और ये भी जो हम मर्ची खेती किए है ना, तो इसमें तो लेबर का भी बचत है और अपना परेशान भी बचत है। इस परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा स्थापित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने टपक सिंचाई क्षेत्र में एक अनोखी पहल की है। इस पहल के चलते रिवर्स इरिगेशन कंपनी का टपक सिंचाई संच 3000 किसानों के खेतों में लगभग 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाया गया, जिसके चलते न केवल ये किसान अतिरिक्त फसल की खेती कर पा रहे हैं, बल्कि इनकी आमदनी केवल 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में 50,000 से 60,000 तक बढ़ गई है। वो जायका प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उच्च तकनीक को इस्तेमाल करके। और इसमें बेसिकली जो हम लोग काम करते हैं वो 25 डेसिमल का जो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन है उसको इंस्टॉल कराते हैं। जहां पहले इन महिलाओं ने पानी की कमी के कारण खेती से परेशान होकर खेती करना कम कर दिया था, वहीं आज रिवर्स इरिगेशन की टपक सिंचाई प्रणाली अपनाने के बाद ये महिलाएं दिन दुनी रात चौगुनी कमाई कर रही हैं। टपक सिंचाई लगने के बाद हम लोग को पहले से 3-4 गुना फायदा मिल रहा है, हानि नहीं हो रहा है हम लोग का, जो करते हैं ना पूंजी से ज्यादा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली से महिला किसान अंजना देवी ने तीसरी बार मिर्ची की तुड़ाई करके अपनी लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो वहीं महिला किसान जयंती देवी अपने लिए पक्का मकान बना चुकी हैं, वह दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें प्रगति की राह दिखा रही हैं।